style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. And it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. हेलो एवरीवन, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। हम इसे खेलना और देखना दोनों ही बहुत पसंद करते हैं। बट क्रिकेट हमारी एग्जाम के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ICC के बारे में। ICC इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई कहाँ पे सिचुएटेड है? UAE में, ठीक है। इसके जो अभी करंट में चेयरमैन है उनका नाम है ग्रेग बार्कले, और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1909 में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ICC एस्टैब्लिश हुआ था 1909 में, इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, और इसके करंट चेयरमैन ग्रेग बार्कले, ठीक है। जैसे कि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, सिमिलरली एक BCCI है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ द नेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, जो कि कब इस्टैब्लिश हुई है? 1928 में इस्टैब्लिश हुई है, ठीक है। ICC 1909 में इस्टैब्लिश हो गई थी, जबकि BCCI आपका 1928 में इस्टैब्लिश हुआ है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है, इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई। हम मिस्टेक कर सकते हैं, हमको लगता है कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बट इट इज़ इन मुंबई। और इसके जो करंट में भी प्रेसिडेंट है उनका नाम है रॉजर बिन्नी, ठीक है। तो याद रखिएगा, करंट प्रेसिडेंट इज रॉजर बिन्नी, और जो ICC के चेयरमैन है उनका नाम है ग्रेग बार्कले, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 50-50 वर्ल्ड कप 1975 में जब से स्टार्ट हुआ है, देर आर डिफरेंट विनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी कि कौन सी टीम कितनी बार वर्ल्ड कप जीती है और कौन सी ऐसी टीम है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जब सबसे पहली बार वर्ल्ड कप हुआ 1975 में, और उसके बाद 1979 में, वर्ल्ड कप हर 4 सालों में होता है, तो इसको जीता था वेस्ट इंडीज ने, ठीक है। उसके बाद 1983 में और 2011 में, ठीक है, 1983 के बाद और भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, बट इंडिया इज अ कंट्री जिसने 1983 के अलावा 2011 में भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ठीक है। अब ये तीन कंट्रीज है जिन्होंने वर्ल्ड कप सिर्फ एक एक बार जीता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने जीता है 1992 में, ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो उसने जीता है 1996 में, और 2019 में जिसने जीता है वो है इंग्लैंड, गेटिंग। सो ये तीन कंट्रीज है जिन्होंने वर्ल्ड कप एक एक बार जीता है, जबकि इंडिया और वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप दो दो बार जीता है, ठीक है। और लास्ट बचता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। एक बार हम ईयर भी मार्क कर लेते हैं, सो हमको आइडिया रहेगा कभी पूछ लिया जाए तो, 1987, 99 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में और 2015 में, ठीक है। तो कितनी बार हो गया? टोटल 5 times ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है। और स्पेशली आप इंडिया का याद रखिएगा, 1983 में और 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं T20 वर्ल्ड कप विनर्स। अभी जो हमने बात करी थी वो हमने 50-50 वर्ल्ड कप की बात करी थी। अगर हम T20 की बात करें तो कौन से ईयर्स में कौन सी कंट्री ने जीता है वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, और 2007 में जो पहली बार विनर रहा था वो था इंडिया, ठीक है, ओके। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आपका हर 2 सालों में होता है। 2009 में जब हुआ तो इसके विनर पाकिस्तान रहे, उसके बाद 2010-2022 में इसके विनर इंग्लैंड रहे, ठीक है। 2010 के बाद और भी ईयर्स में हुआ है, बट 2022 जो अभी रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी इंग्लैंड ही जीता है, ठीक है। मतलब इंग्लैंड 2 बार जीता है। इसके बाद वेस्ट इंडीज भी 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। कब? 2012 और 2016 में, ठीक है। 2014 में श्रीलंका ने इसको एक बार जीता है, और 2021 में इसको एक बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो अगर अब आपसे पूछते हैं कि T20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार अभी तक किसने जीता है, तो वो दोनों ही आपकी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आएगी, क्योंकि दोनों ने 2-2 बार जीता है। जबकि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने इसको 1-1 बार जीता है, और इंडिया ने इसको 2007 में जीता है जब T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, ठीक है। सो आप अगर 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो अभी रीसेंट 2020 वर्ल्ड कप हुआ, जो कि 8th था सीरीज में,
ठीक है, अभी हाल मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड ने जीता, जस्ट इसके पहले ही हमने देखा कि इंग्लैंड दो बार जीती, एक 2022 में और एक 2010 में। तो जो 2022 में इंग्लैंड ने जब इसको जीता तो उस टाइम रनर अप जो रहा दैट वॉज पाकिस्तान, ओके। और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था दैट वॉज किसको मिला था, सेम कुर्रन को। जो सेम कुर्रन है ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, प्लीज याद रखिएगा इनके बारे में भी, ही वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, ओके। जो नेक्स्ट है इट इज IPL, IPL स्टैंड्स फॉर इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। करंटली जो भी इसके चेयरमैन है उनका नाम है अरुण सिंह धूमल, ठीक है। फर्स्ट एडिशन जो स्टार्ट हुआ था इट वॉज इन द ईयर 2008, और मैक्सिमम टाइम जो रनर अप रहा है IPL की हिस्ट्री में उस टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। और जिसने नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स टाइटल्स जीते हैं उसका नाम है मुंबई इंडियंस, ठीक है। अभी तक जितने टाइटल्स जीते हैं वो है 5 इन नंबर, ओके। आगे बढ़ते हैं, जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा बार हैट्रिक्स ली है IPL में वो है अमित मिश्रा, ठीक है। 3 बार इन्होंने हैट्रिक्स लिए। इसके बाद फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी करिए KL राहुल ने, कितने बॉल्स पे करिए, 14 बॉल्स में, ठीक है। ये प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और जिसने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है उसका, उनका नाम है क्रिस गेल, जिन्होंने कितने बॉल्स पे बनाई है, 30 बॉल्स पे बनाई है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है, IPL में। इसके बाद अभी जो 15th IPL हुआ था 2022 में, ठीक है, अभी हम 23 की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका भी फाइनल नहीं हुआ है। तो जो 2022 का IPL था दैट वॉज 15th, और जो फाइनल खेला गया था वो खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कहाँ पे है, अहमदाबाद में, ठीक है। इसके जो विनर रहे वो थे गुजरात टाइटन्स, फर्स्ट टाइम विनर रहे, और जो रनर अप रहा था जो टीम रही थी उसका नाम है राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि अभी जो एग्जाम्स होंगी उनमें 2022 का डेटा पूछा जा सकता है, ओके। बढ़ते हैं आगे, 2022 के IPL में जिसको ऑरेंज कैप मिली, ऑरेंज कैप किसको मिलती है, जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करता है, ठीक है, किसको मिली है, जॉस बटलर को मिली है। और पर्पल कैप उसको मिलती है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हो, ठीक है, वो मिली है युजवेंद्र चहल को, ठीक है। इसके बाद 2022 के IPL में जो इमर्जिंग प्लेयर है उनका नाम है उमरान मलिक, ओके। सो इन प्लेयर्स का नाम भी याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं क्रिकेट में जो कि फिक्स हैं, तो वो डेटा यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए हमने ये डेटा डाला हुआ है। सबसे पहले जैसे कि पिच की लेंथ कितनी होती है, तो आप लोग अप्रॉक्सीमेट फिगर याद रखिएगा, इट इज़ 20.12 मीटर, ठीक है। यार्ड्स में कोई पूछता है तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 यार्ड्स, ठीक है। क्रीज की लेंथ क्या होती है, तो दैट इज 1.22 से लेके 1.83 मीटर तक होती है, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा है बोर्ड पे, ये आपकी पिच है और इधर में आपकी क्रीज जो होती है उसका डेटा यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, जो बॉल है उसका वेट कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेट होता है 159.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक, ठीक है। और जो बैट है उसकी लेंथ कितनी होती है, दैट इज 96.52 सेंटीमीटर, और जबकि आप विड्थ की बात करोगे तो इट इज 10.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना सारा डेटा, तो एक एक बार आप इसको देख लीजिएगा, जैसे कि पिच क्या कितना है, क्रीज का कितना है, अगर इनकेस एग्जाम में फंस जाता है तो आप लोग उसको आंसर कर पाओगे। एक्चुअली पूछे हुए हैं क्वेश्चन इसलिए भी हमको ये थोड़ा पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो स्टम्प्स है उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इट इज 71.1 सेंटीमीटर, और जबकि आप बेल्स की बात करते हैं तो जो इंडिविजुअल बेल है उसका जो लेंथ होता है दैट इज 11.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेल्स होती है, ठीक है, आपको ये दिख रही है डायग्राम में, एंड दिस इज योर स्टम्प, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट कप्स और ट्रॉफीज है जो क्रिकेट में दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे डले हुए, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डेटा यहाँ पे डला हुआ है। जैसे कि एशिया कप आप सबको मालूम है, ठीक है, बोस ट्रॉफी क्रिकेट में होती है, चैंपियंस ट्रॉफी इससे भी आप यूज टू है, ठीक है। इसके बाद आपकी देवधर ट्रॉफी, उसके बाद आपकी दुलीप ट्रॉफी, ठीक है, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसके बाद ICC वर्ल्ड कप, ईरानी रणजी, ये दोनों भी आप लोगों ने सुनी होगी, विजय हजारे ट्रॉफी, और फिर लास्ट इज योर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। तो इनको आप एक बार और देखिएगा, आराम से आप लोगों को याद हो जाएंगी। एक बार और मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ये आराम से याद रहती है, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि हम इनसे यूज टू है, ठीक है। बोस ट्रॉफी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा फुटबॉल के साथ, इट इज़ इन क्रिकेट, ओके।
दियोदार दुलीप अगेन दोनों क्रिकेट में, गावस्कर से आपको याद रहेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में होती है कि क्रिकेट में, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप इजी है, ईरानी रणजी साथ में याद रखिएगा, ईरानी और रणजी तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, और लास्ट बचती है आपकी विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फेमस स्टेडियम्स की तरफ। अगेन स्टेडियम्स आर मैनी इन नंबर, तो कौन से याद रखें? यहाँ पे स्टेडियम्स वो डले हुए हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है। ठीक है, सिमिलरली जो भी हमने ट्रॉफीज अभी पढ़ी थी, ट्रॉफीज भी जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनमें से वो ट्रॉफी भी यहाँ पे डली हुई है। ठीक है, और कुछ जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टेडियम की बात कर रहे थे। सबसे पहला स्टेडियम यहाँ पे लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, मोटेरा और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अहमदाबाद में। इनकी डायरेक्ट लोकेशन पूछ ली जाती है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम सिचुएटेड इन विच सिटी, चार ऑप्शन होते हैं, तो याद रखिएगा इट इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट अरुण जेटली स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में। आप सबको मालूम है कि अरुण जेटली स्टेडियम का जो पुराना नाम है दैट वाज फिरोज शाह कोटला, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का जो अब जिसको जिस नाम से जाना जाता है वो है अरुण जेटली स्टेडियम, और कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये याद रहेगा आपको कि फिरोज शाह कोटला से कि कहाँ पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। इसके बाद आता है एडन गार्डन, एडन गार्डन कोलकाता। ठीक है, इसके बाद चिदंबरम स्टेडियम, ये चेन्नई में सिचुएटेड है। इसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। ठीक है, ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग है कि चिन्नास्वामी चेन्नई में है या फिर चिन्नास्वामी बेंगलुरु में, तो याद रखिएगा चिन्नास्वामी इज इन बेंगलुरु जबकि चिदंबरम इट इज इन चेन्नई। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। वानखाड़े स्टेडियम मुंबई, सबको मालूम है आप लोगों को। सवाई मानसिंह स्टेडियम, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है सवाई मानसिंह, तो इट इज इन जयपुर। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इट इज इन हैदराबाद। एक राजीव गांधी नाम से देहरादून में भी है। ठीक है, तो आप लोग मेन हैदराबाद वाला याद रखिएगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होलकर स्टेडियम इंदौर, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इट इज इन लखनऊ यूपी। ठीक है, सो दिस आर सम स्टेडियम्स जो भी हमने देखे। इसके बाद आगे है आपके कप्स एंड ट्रॉफीज जो विनर्स रहे हैं। मेनली हमने यहाँ पे जो डाला हुआ डेटा है वो 2022 का है, तो आप लोग याद रखिएगा 2022 में कौन सी ट्रॉफी या कौन सा कप किसको मिला है। ठीक है, कुछ डेटा 23 का भी है, वो भी आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो हुआ 2022 में, तो उसका विनर कौन रहा? उसका विनर इंडिया रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया विनर रहा है तो क्वेश्चन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जो 2022 में हुई थी उसके विनर रहे हैं सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र टीम रही है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के विनर रहा है इंग्लैंड, अभी हमने देखा था जिसका रनर अप कौन था? पाकिस्तान था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी मैंने बताई क्रिकेट में होती है, तो 2022 में इसके जो विनर रहे हैं उसका नाम है मुंबई। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है 8 विमेन्स एशिया कप। ठीक है, ये विमेन्स एशिया कप है जो 2022 में हुआ, इसके विनर रहा है इंडिया। ठीक है, ब्लाइंड ट्रॉफी का विनर भी इंडिया रहा है, 8th विमेन्स एशिया कप का विनर भी इंडिया रहा है। ठीक है, दुलीप ट्रॉफी का विनर कौन रहा है? वेस्ट जोन रहा है। एशिया कप 2022 का विनर कौन रहा है? श्रीलंका। दिस इज एक्चुअली मेन्स, ठीक है, ये विमेन का डेटा है, ये मेन का डेटा है, ओके, श्रीलंका रहा है। रणजी ट्रॉफी 2022 का विनर मध्य प्रदेश रहा है, और 23 का जो रणजी ट्रॉफी हुई है उसके विनर सौराष्ट्र रहा है। ठीक है, एमपी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में आने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा 2022 में जो विनर रहा है रणजी ट्रॉफी का वो है मध्य प्रदेश, जबकि 23 में जो विनर रहा है वो है सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र अभी हम लोगों ने देखा, सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी का विनर भी रहा है, मतलब दो मेन ट्रॉफीज जो है वो सौराष्ट्र के पास गई है, ओके। और जो आपका 15th आईपीएल हुआ 2022 में, उसका विनर रहा है गुजरात टाइटंस, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका रनर अप कौन रहा था? राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, उसमें हमने ऑरेंज कैप पर्पल कैप की भी बात करी, तो वो लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट डेटा विथ रिस्पेक्ट टू क्रिकेट। बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत सारा और डेटा भी हो सकता है, अगर कुछ इसमें मिस हुआ और आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो आप इसको एड ऑन करते रहिएगा एंड इसको रिवाइज करते रहिएगा, ओके। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वेरी सून, गुड लक, टेक केयर।